नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक चैनल बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे उन लोगों की जो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं और साथ ही साथ सोचते हैं कि हम कितना भी इलाज करा रहे हैं, कितना भी हम औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं मगर हम ठीक नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं बुरी नज़र का साया है। और बुरी नज़र का साया कैसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर पे बुरी नज़र का साया है, इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि ईविल आई से कैसे बचा जाए और साथ साथ क्या उपाय करे जाए ईविल आई से बचने के, यानी बुरी नज़र से बचने के। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में या किसी भी ऐसे सदस्य में आपके घर के बहुत अधिक चिड़चिड़ापन आ गया है, साथ साथ आपके घर में अशांति आपको महसूस हो रही है, तनाव महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको शांति नहीं मिल रही है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बुरी नज़र का साया आपके घर पे है। इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा पौधों पर, पौधों में विशेष पौधा तुलसी पर। यदि ऐसी कुछ भी चीज़ होती है या कोई भूत प्रेत बाधा होती है तो सबसे पहले तुलसी का पौधा अपने आप मुरझा जाता है। यदि आप उसमें नित्य रूप से पानी भी दे रहे हैं, जल भी डाल रहे हैं, फिर भी तुलसी का पौधा मुरझा जाएगा। और सबसे अशुभ माना जाता है तुलसी का पौधा मुरझा जाना, क्योंकि जिस भी घर में तुलसी का पौधा मुरझा जाता है ऐसा कहा जाता है वहाँ पर बुरी नज़र का साया है। इसके साथ साथ व्यक्ति को बुरे और डरावने सपने भी आने लग जाते हैं, स्वभाव बदल जाता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध आ जाता है स्वभाव में। इसके साथ ही साथ अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास व्यक्ति को बेचैनी भी रहनी शुरू हो जाती है। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास और उस दिन ज़्यादातर बेचैनी महसूस करता है व्यक्ति। अब ये सारी चीज़ें और इसके साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि व्यक्ति बीमार है और सोच रहा है मैं कितनी ही औषधियों का प्रयोग कर रहा हूँ मगर मैं फिर भी अस्वस्थ हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, तो यही सारे लक्षण हम कह सकते हैं कि बुरी नज़र आपके घर पे या आपके घर के किसी भी सदस्य पे है जो भी इन परेशानियों का सामना कर रहा है। सिर्फ एकमात्र आपको उपाय करना है और वो उपाय क्या है आप ये जान लीजिए। उपले, जो गाय का गोसा होता है, जो गाय का उपला होता है, आप सभी जानते होंगे, उसको एक मिट्टी के बर्तन में लीजिए और उस पर आप पीली सरसों डालिए, गूगल डालिए और साथ साथ लोभान डालिए और इस पे कपूर रख के गाय के घी डाल करके आप आग लगा करके इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए, हर जगह दिखाइए और ऐसी ऐसी जगहों पर जो आपके घर में बंद रहती हैं, यानी स्टोर रूम, बेड के नीचे की जगह, ऐसी जगहों पर दिखाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो जितनी भी नेगेटिविटी है या किसी भी भूत प्रेत बाधा है या कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, आपके घर से समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। यकीन मानिए ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिसकी वजह से, जो नित्य रूप से आप करेंगे तो आपके घर में सारी समस्याएँ हल हो जाएंगी। जितनी भी ये सारे कष्ट से अगर आप सामना कर रहे हैं तो हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको नित्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। ये उपाय आपको मंगलवार के दिन ही शुरू करना है। अगर आप शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को शुरू करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ये उपाय आप कीजिए यदि आप ऐसी किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये विषय। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जय श्री राधे।